अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कफारा ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सरार किरण की इज्जत तो बचा लेता है, लेकिन चौकस साहब तो जो तकलीफ और जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं शायद वो उनकी जान ही ले लेगी, क्योंकि जिस तरह वो सरार की नज़रों में गिर जाते हैं और सिर्फ सरार की नज़रों में ही नहीं बल्कि सदर की नज़रों में भी गिर जाते हैं, क्योंकि मार्केट का सदर भी उस वक्त साथ होता है जब पुलिस पकड़ कर किरण को ले जाने वाली होती है, लेकिन सरार किरण को बचा लेता है। लेकिन सदर साहब चुप रहने वाले में से नहीं है, वो जाकर मार्केट में ढोंग रचा देंगे कि जो है अपनी चोरी की है किरण के जो कि किसी लड़के के साथ पकड़ी गई है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ। किरण और शौकत साहब को छोड़ने के लिए सलार जब घर जाता है तो उसके साथ शायदा बेगम का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वो कहती है कि जुहैब घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पास पहले ही बहुत मुसीबतें हैं। ये सुनने के बाद शौकत साहब कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुम जानती थी, अगर सलार आज ना होता तो हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते, पुलिस तुम्हारी बेटी को पकड़ कर ले जा रही थी। ये सुनने के बाद शायदा बेगम कहती है कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है। तब शौकत साहब कहते हैं कि इस लड़की ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि शौकत साहब किरण को माफ़ कर पाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।